हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है सरी सरिपोदा शनिवार जिसका मीनिंग होता है इस सैटरडे नॉट इनफ तो ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जिसको तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी वर्जन में डब किया हुआ था साथ ही में थिएट्रिकली रिलीज़ किया था जहाँ पे डब वर्जन में इस फिल्म का नाम था सूर्या सैटरडे तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्स फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सूर्या सैटरडे यानी कि सरिपौधा शनिवार ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिल एंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रेया इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जहाँ पे 2017 में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा शनिवार फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानी सूर्य या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ पे दो घंटे कान मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कम्पोज किए हुए हैं और नानी और आथ्रे के साथ उनका यह मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनैया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पी सी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी ऐसे ही सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पला पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वो ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी विवेक अत्रे और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है ज लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई टी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरी पौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस जी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की शुरुआत की करवाई गई थी जहां पे फॉर्मर कोलाब्रेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानी इस गैंग लीडर फिल्म में जी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली घोपी और कार्तिक श्रीनिवास uh, कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के शाम मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आच्रिया के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है जिसको सनापति भारद्वाज पात्रू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लास हम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई दो को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा मुतली मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी मापा करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो और बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव दिन ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भादवाज पत्रुड़ो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचैन का एक सुनने को मिलेगा सनपति भारद्वाज पत्रोड़े ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था शिवा थंदवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उनपचास सेकंड इन गानों को 2023 हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था जी सोनी म्यूजिक के द्वारा 28 अगस्त 2024 को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेते है इस फिल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सैटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज़ छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्ले करके एक एरिया है वहाँ पर जहाँ पे एक सी दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पर दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में वो सूर्या लता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉलमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नजर आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फ़िल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नजर आते हैं जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नजर आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी नेरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स से सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज़ किया हुआ है जेक्स बिजोए ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कहीं अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पेक् सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स से उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे कासरे चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखाया हो उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिश हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक का, को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक सौ दस करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जहाँ पे आई पे इस फिल्म ने अट्ठाईस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू तो बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फ़िल्म के ओ राइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ़ तेलुगू नहीं इसके अलावा तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जनस के राइट्स ख़रीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन फ़िलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े है अलग अलग एसपे के वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरी पौधा शनिवार ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रेया इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हजार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा शनीवार फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानी एस डिस प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पे दो घंटे इक्न मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं और नानी और आथरिया के साथ उनका यह मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल तो तो आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनैया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पी सी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्य और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्य की एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी एसआई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पल्प पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वोई ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी विवेक अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका एसेकंड कोलाब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई टी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरी पौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस जी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म के की शुरुआत की करवाई गई थी जहाँ पे फॉर्मर कोलोबरेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानी इस गैंग लीडर फिल्म में जी वी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूजिक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास uh, कार्तिका श्रीनिवास को म्यूज़िक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आच्रिया के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया है जिसको सनापति भारद्वाज पात्रू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लास हम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई 2024 को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा मुतली मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी माँ करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो और बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडू ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगजंती ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचेन का एक सुनने को मिलेगा सनपति सन, भारद्वाज पत्रोडो ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज़ किया था शिवा थवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार तेईस चौबीस में रिकॉर्ड किया गया था जिस सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फिल्म की कहानी के ऊपर सर पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रॉमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुई उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी आई दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारुलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से कैसे क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते है प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी नेरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स थे सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजोई ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कई अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पेक् सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स से उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे का चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से करेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखाया हो उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर स किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक का को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय सूर्या की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन्स में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जहां पे आई पे इस फिल्म ने अट्ठाइस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फिल्म के ओ राइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जनस के राइट्स ख़रीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन फ़िलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गए सरी पौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एसपे है वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरिपौधा शनिवार ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रेया इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हज़ार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा शनीवराम फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी तनैया ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानी या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ पे दो घंटे कॉन् मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कम्पोज किए हुए हैं और नानी और आथरिया के साथ उनका ए मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनैया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पीसी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएगी एस आई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पल्ला पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वही ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी वे अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है ज लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई टी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरिपौदा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस जी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की शुरुआत की करवाई गई थी जहाँ पे फॉर्मर कोलाब्रेटिंग था नानी और आ, प्रियंका मोहन के साथ नानीस गैंग लीडर फिल्म में जी वी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स को फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहां पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो हज़ार सौ के मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जैक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आत्रिया के साथ उनका ये पहला कोलाब्रेशन था ऑडियो राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया है जिसको सनापति भारद्वाज पात्रड़ू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई 2024 को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा लस्या मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी मापा करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया जहाँ पे उसको कृष्णाकांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडू ने लिखा हुआ था दीपक ब्लू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पे साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगंथी ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडू ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचेन का एक सुनने को मिलेगा सनपति भारद्वाज पत्रोड़े ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था शिवा थवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार तेईस चौबीस में रिकॉर्ड किया गया था जिस सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फिल्म की कहानी के ऊपर सर पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आस गलत हुई उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए है जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारुलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नजर आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफी बढ़िया थी रोमांटिक इंटरेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफी बढ़िया थी नरेशन में वो काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज्यादा फिट बैठ सकते थे हिसाब को लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स से सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है म्यूजिक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजोए ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कहीं अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पेक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स थे उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे कासरे चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखाया है उतना इंपेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे एक ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी पौधा शनिवार सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय सूर्या की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन्स में तो टोटल पाँच वर्जनस में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से करोड़ का नेट कलेक्शन किया था लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जहाँ पे आई एम डी इस फिल्म ने अट्ठाईस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू तो बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फ़िल्म के ओ राइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ़ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जनस के रा, राइट्स ख़रीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन्स फ़िलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय इस सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए अब बात कर लेती इस फिल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सैटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्ले करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारूलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह के से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी नेरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स से सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज़ किया हुआ है जेक्स बिजोए ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कहीं अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पैक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से, मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूशल सीन थे उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे का चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से करेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखाया है उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी पौधा शनिवार सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जे सूर्या की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नेरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है सूर्या सेटड़े यानी कि सरी पौधा शनिवार ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगू के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रे इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हज़ार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरीपोदा पौधा शनिवार फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी तनैया ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएसन्स वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्ज़न में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानस जिस या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ पे दो घंटे कान मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आथ्रे के साथ उनका यह मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनैया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पी सी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएगी ऐसे ही सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पल्प पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वही ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी विवेक अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलाब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई टी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरी पौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस डी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की शुरुआत की करवाई गई थी जहां पे फॉर्मर कोलाब्रेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानी इस गैंग लीडर फिल्म में जी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के मेट तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आच्रिया के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया जिसको सनापति भारद्वाज पात्रड़ू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उलासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई दो हज़ार चौबीस को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा लसिया मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी माँ करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो और बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव दिन ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोड़ो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचैन का एक सुनने को मिलेगा सनपति भारद्वाज पत्रोड़ों ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज़ किया था शिवा थंदवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को 2023 हज़ार तेईस में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूज़िक के द्वारा 28 अगस्त 2024 को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती हैं इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज़ छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सीआई दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारूलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से कैसे क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी नेरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स से सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजोए ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कई अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पेक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स थे उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे कासरे चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखाया उतना इम्पेक्टफुल नहीं नज़र आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करते कार्तिक का को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी शनिवार सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जनस में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक सौ दस करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जहां पे आई पे इस फिल्म ने अट्ठाईस सौ हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू तो बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फ़िल्म के ओ राइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जनस के रा, राइट्स ख़रीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन फ़िलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस सरीपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीजों के, के सरिपोदा शनिवार की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहां पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रेया इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हजार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा शनीवार फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानी सोर्या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ पे दो घंटे इक्का मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आथरिया के साथ उनका यह मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनैया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पी सी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्य और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्य के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल कर, प्ले करते हुए नजर आएगी एसआई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पल्प पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वोई ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी विवेक अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका एसेकंड कोलाब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई टी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरी पौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस जी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म के की शुरुआत की करवाई गई थी जहां पे फॉर्मर कोलाब्रेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानी इस गैंग लीडर फिल्म में जी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंदर इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास uh, कार्तिका श्रीनिवास को म्यूज़िक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आच्रिया के साथ उनका एक पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स right से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूज़िक इंडिया वालों ने ख़रीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया जिसको सनापति भारद्वाज पात्रड़ू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लास हम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई 2024 को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा मुतली मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी मापा करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया जहाँ पे उसको कृष्णाकांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडू ने लिखा हुआ था दीपक ब्लू ने उसको गाया हुआ था दिम्बक्का करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पे साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगंती ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडू ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचैन का एक सुनने को मिलेगा सनपति भारद्वाज पत्रोड़े ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था शिवा थवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उनपचास सेकंड इन गानों को 2023 हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था जिस सोनी म्यूज़िक के द्वारा 28 अगस्त 2024 को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फ़ॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पर इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फिल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सैटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी आई दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारुलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से कैसे क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस डिली तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते है प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी नेरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स थे सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजोई ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कई अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पेक् सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स से उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे का चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से करेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखाया हो उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर स किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक का को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय सूर्या की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन्स में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन 19 करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट ने कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज़्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे आई पे इस फिल्म ने अट्ठाईस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फिल्म के ओ राइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन्स फ़िलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एसपे के वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरी पौधा शनिवार ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रेया इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हज़ार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा शनीवराम फिल्म बनाई हुई है डीवीवी तनैया ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जनस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानी एस या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ पे दो घंटे कॉन्मेट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आथ्रे के साथ उनका ए मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल तो आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नान ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पी सी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएगी एस आई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पल्ला पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वही ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी विवेक अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है ज लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई टी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरिपौदा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस डी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की शुरुआत की करवाई गई थी जहां पे फॉर्मर कोलाब्रेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानी इस गैंग लीडर फिल्म में जी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूजिक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आचार्य के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया है जिसको सनापति भारद्वाज पात्रड़ू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई 2024 को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा लस्या मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी माँ करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो और बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगजी उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचेन का एक सुनने को मिलेगा सनपति सन भारद्वाज पत्रोड़ो ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था शिवा थंदवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार तेईस चौबीस में रिकॉर्ड किया गया था जिस सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आस गलत हुई उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए है जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारुलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नजर आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कॉप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी नरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फीड बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्ट्रेस थे सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजोई ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कहीं अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पेक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स थे उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे कासरे चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखाया है उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक का को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी पौधा शनिवार सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय सूर्या की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन्स में तो टोटल पाँच वर्जनस में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जहां पर आई एम डीवी पर फिल्म ने अट्ठाईस छह की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फिल्म के ओ राइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जनस के राइट्स ख़रीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन फ़िलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गाय सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरी पौधा शनिवार ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रेया इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हज़ार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा शनिवार फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डीवीवी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहां पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जनस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानस जिसूर या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पे दो घंटे इक्का मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आथ्रे के साथ उनका ए मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल तो तो आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनैया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पीसी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएगी एसआई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पला पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वही ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई दो में करवाई गई थी वे अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो दो में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका ऐसे कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इक्तीसवीं फिल्म होने वाली एज ए लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई डीवीबी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरिपौदा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस जी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म के की शुरुआत की करवाई गई थी जहाँ पे फॉर्मर कोलाब्रेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानिश गैंग लीडर फिल्म में जी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूजिक के लिए अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहां पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो हज़ार सौ के मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूज़िक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आत्रिया के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया जिसको सनापति भारद्वाज पात्रड़ू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई दो हज़ार चौबीस को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा मुतली मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी माँ करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हजार चौबीस को रिलीज करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो और बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रु ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगती ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचैन का एक सुनने को मिलेगा सनपति सन, भारद्वाज पत्रोडो ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था सिवा थंदवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था जिस सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूटूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने हैं तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते हैं अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए है जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारूलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फ़िल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नजर आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफी बढ़िया थी रोमांटिक इंटरेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफी बढ़िया थी नरेशन में काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज्यादा बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया और हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स से सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजो ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कई अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन पैक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स थे उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे कास रहा चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह तो से काम दिखाया है उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉपअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिज हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वेक आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफी बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक का, को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी पौधा शनिवार सूर्या सैटरडे एक इंजॉएबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन्स में तो टोटल पाँच वर्जनस में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने ने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने, ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जहां पर आई एम डीवी पे इस फिल्म ने अट्ठाईस वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फिल्म के ओ राइट्स है जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन फिलहाल में वहां पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय इस सर शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े है अलग अलग एसपे के वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरी पौधा शनिवार ये एक दो हजार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रेया इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पे 2017 में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरीपोदा पौधा फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डीवीवी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पर लीड रोल में आपको नानी यश या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पर टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पे दो घंटे इक्का मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आथरिया के साथ उनका ए मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पीसी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभालेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएगी एसआई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वी राजपाल पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वो ने इस फिल्म में सूर्या के का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी वे अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली एज ए लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई डी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरिपौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस डे सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की शुरुआत की चर्चा करवाई गई थी जहाँ पे फॉर्मर कोलाबरेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानीज गैंग लीडर फिल्म में जी बी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूजिक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के शाम मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आचर्या के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम-गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया है जिसको सनापति भारद्वाज पात्रडू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई दो हज़ार चौबीस को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा मुतली मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी माँ करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हजार चौबीस को रिलीज करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो और बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडू ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था दीपक ब्लू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगनती तीन उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोड़ो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचैन का एक सुनने को मिलेगा सनपति भारद्वाज पत्रोड़ो ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था शिवा थवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार तेईस चौबीस में रिकॉर्ड किया गया था जिस सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूटूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज़ छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रॉमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्ले करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए है जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारूलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह कैसे क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फ़िल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस स्कोप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी निरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स थे सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज़ किया हुआ है जेक्स बिजॉए ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कहीं अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन एक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स थे उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे काश्रे चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम दिखा है उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिज हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वेक आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफी बढ़िया तरीके सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक का को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी पौधा शनिवार सूर्या सैटरडे एक इंजॉयबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय सूर्या की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन 19 करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ तो करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज़्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस तो पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे आई एम डी पे इस फिल्म ने अट्ठाईस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फ़िल्म के ओ राइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ़ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जनस के राइट्स ख़रीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन्स फ़िलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपोदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय सरिपोदा उदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फ़िल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरिपौा शनिवार यह एक दो हज़ार चौबीस की इंडियन तेलुगू लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथ्रे इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जहाँ पे 2017 में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रोचेवरो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा शनीवराम फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डीवीवी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगू वर्जन में बाकी सभी वजन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नान या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पे दो घंटे इक्का मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आत्र्या के साथ उनका ए मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पीसी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या की एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभालेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएगी एसआई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वीराज पला पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वही ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी विवेक अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है ए लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई डी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरिपौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस डी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म के की शुरुआत की करवाई गई थी जहाँ पे फॉर्मर कोलोबरेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानी इस गैंग लीडर फिल्म में जी बी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूजिक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास uh, कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के शाम मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आचर्या के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने ख़रीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया जिसको सनापति भारद्वाज पात्रोडू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई दो हज़ार चौबीस को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा लस्या मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी माँ करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडू ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडू ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगंती उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचैन का एक सुनने को मिलेगा सनपति सन भारद्वाज पत्रोड़ ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था सिवा थंदवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार तेईस चौबीस में रिकॉर्ड किया गया था जी सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज़ छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पढ़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सी दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारुलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह के से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कॉप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस डिली तरह से वो डिलीवर करते हैं वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंट्रेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफ़ी बढ़िया थी नरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स थे सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज़ किया हुआ है जेक्स बिजोई ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कहीं अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन एक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स थे उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे काश्रिया चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह तो से काम दिखाया है उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉपअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वेक आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स विजय का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़ा स्लो करती कार्तिक का को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी पौधा शनिवार सूर्या सेटरडे एक इंजॉयल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन्स में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जहां पर आई एम डीवी पर इस फिल्म ने अट्ठाइस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फिल्म के ओ राइट्स है जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए तो ये सभी वर्जन फिलहाल में वहां पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरी पौधा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गए इस सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एसपे के वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरिपौा शनिवार ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिल एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगू के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली थे रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथर्या इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हज़ार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल ब्रोचेवर रो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरीपोदा पौधा फिल्म बनाई हुई है डीवीवी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी वी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएसंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको नानी एस जिस प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पे दो घंटे इक्का मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आथरिया के साथ उनका ए मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पीसी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकराम का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी एसआई सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वी राजप्ला पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वोई ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी वे अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है ए लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई डी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरी पौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रू मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस डी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की शुरुआत की करवाई गई थी जहाँ पे फॉर्मर कोलोबरेटिंग था नानी और प्रियंका मोहन के साथ नानी इस गेंग लीडर फिल्म में जी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूजिक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फिर uh, फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो के शाम मेट तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें जेक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आचर्या के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने ख़रीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है जिसको सनापति भारद्वाज पात्रोडू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई दो हज़ार चौबीस को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा लस्या मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी माँ करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज करवाया जहाँ पे उसको कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो और बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पर साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगती ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पथ्रोडो ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचैन का एक सुनने को मिलेगा सनपति भारद्वाज पत्रोडो ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था शिवा थंदवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार तेईस चौबीस में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर सर पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज़ छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पढ़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुए उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे एक सीआई दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारूलता से भी मिलता है जो प्रियंका मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फ़िल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी वो काफ़ी बढ़िया थी रोमांटिक इंटरेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें वो काफ़ी बढ़िया थी नेरेशन में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज़्यादा फिट बैठ सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नज़र आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स से सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजोई ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कई अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन एक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूसल सीन्स से उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे काश्रे चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ़ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह तो से काम दिखाया है उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में अब वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉपअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जैक्स विजय का म्यूजिक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफी बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़े स्लो करती कार्तिक को और बेहतर तरीके से फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी पौधा शनिवार सूर्या सैटरडे एक एंजोएबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जय की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन्स में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाय डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जहां पर आई एम डीवी इस फिल्म ने अट्ठाईस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फिल्म के ओ राइट्स है जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए तो ये सभी वर्जन फिलहाल में वहां पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरीपोदा शनिवारम यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय इस सरिपौदा शनिवार यानि कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीजों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दी फिल्म से जुड़े अलग अलग, अलग स्पे के वो भी मैंने शेयर कर दिए सूर्या सैटरडे यानी कि सरिपौा शनिवार ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन फिल्म है जहाँ पे तेलुगू के अलावा तमिल कन्नडा मलयालम हिंदी में डब करके इस फिल्म को सूर्या सैटरडे नाम के साथ थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विवेक आथ्रेया ने की हुई है विवेक आथर्या इससे पहले भी कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते जहाँ पर दो हज़ार में उन्होंने मेंटल मधिलो से अपना डेब्यू किया था उसके बाद में एक अच्छी सक्सेसफुल ब्रोचेवर रो करके एक फिल्म बनाई हुई थी 2019 में 2022 में उनकी नानी के साथ अंटे सुंदरानी की फिल्म आई थी उसके बाद में 2024 में एक बार फिर से उन्होंने नानी के साथ सरी पौधा सनी फिल्म बनाई हुई है डी वी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने करीबन नब्बे करोड़ के बजट में डी वी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएसंस वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है मेनली तेलुगु वर्जन में बाकी सभी वर्जन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे लीड रोल में आपको एस जयसूर्या प्रियंका मोहन देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मुरली जी ने की हुई है एडिटिंग है वो कार्तिका श्रीनिवास ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे और पचपन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से ये रन टाइम ही पास हुआ था वहीं पे इस फिल्म को ओ टी, टी पे दो घंटे इक्का मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ है इसके अलावा है, इस फिल्म के म्यूजिक में जेक्स बिजोई ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं और नानी और आथरिया के साथ उनका मेडन कोलोब्रेशन है इसके अलावा इस फिल्म में टोटल आपको 12 ट्रैक सुनने को मिलेंगे सभी ट्रैक मिला ले थीम वाले और सभी तो उसके साथ में कास्टिंग में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो नेचुरल स्टार नानी ने इस फिल्म में सूर्या यानी कि चिन्नू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एस जे सूर्या ने सी आई आर दनया दयानंद यानी कि दया का रोल प्ले किया हुआ है प्रियंका मोहन ने इस फिल्म में पी सी चारू लता उर्फ चारू जो कल्याणी कल कल्लू का रोल प्ले किया हुआ है अभी रामी ने इस फिल्म में छाया देवी का रोल प्ले किया हुआ है जो सूर्या और भद्रा की माँ का रोल था अदिति बालन ने भद्रा का रोल प्ले किया है जो सूर्या के एल्डर सिस्टर का रोल था पी साई कुमार ने शंकराम का रोल प्ले किया हुआ है जो भद्रा और सूर्या के फादर का रोल था मुरली शर्मा ने कुरमानंद का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको गोवर्धन के रोल में देखने को मिलेंगे थेरेपिस्ट के रोल में जासी ने काम किया हुआ है काली के रोल में सुप्रीत देखने को मिलेंगे अजय घोष ने नारायण प्रभा का रोल प्ले किया हुआ है सुभा लेखा सुधाकर हेड कॉन्स्टेबल कमला एन का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी ऐसे ही सुधाकर के रोल में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे शिवाजी राजा हर्ष रोशन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे उसी के साथ पृथ्वी राजप्ला पार्थी भी देखने को मिलेंगे विष्णु वोई ने इस फिल्म में सूर्या के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत मई 2023 में करवाई गई थी विवेक अत्र और नानी की एक फिल्म आने वाली ऐसा कुछ रिपोर्ट से पता चला था अंटे सुंदरानी की जो 2022 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका एसेकंड कोलोब्रेशन आने वाला है जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये नानी की इकतीसवीं फिल्म होने वाली है लीड रोल के तौर पे 21 अक्टूबर को ऑफिशियली प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करवाई गई टी एंटरटेनमेंट के द्वारा नानी 31 टाइटल के साथ टाइटल को बाद में 23 अक्टूबर 2023 को रिवील किया गया सरिपौधा शनिवार उसके साथ में हिंदी वर्जन का टाइटल सूर्या का शनिवार रखा था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन के टाइटल को सिंगल नाम दे दिया गया सूर्या सैटरडे मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो चौबीस अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ही रखी हुई थी कास्ट और क्रियो मेंबर के साथ कास्टिंग को अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन एस जी सूर्या को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म के की शुरुआत की करवाई गई थी जहाँ पे फॉर्मर कोलोबरेटिंग था नानी और आ, प्रियंका मोहन के साथ नानीस गैंग लीडर फिल्म में जीवी प्रकाश कुमार अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के म्यूजिक के लिए का अप्रोच किए जा रहे थे लेकिन फाइनली जेक्स बीजे को फाइनलाइज किया था मुरली गोपी और कार्तिक श्रीनिवास कार्तिका श्रीनिवास को म्यूजिक कंपोजर सॉरी सिनेमेटोग्राफर और एडिटर के रोल के लिए अप्रोच किया गया जहां पे उन्होंने इस फिल्म को साइन किया इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2023 में स्टार्ट करवाई गई हैदराबाद में पहला शेड्यूल वहीं पे सेम मंथ में रेपअप किया गया सेकंड शेड्यूल था लेट दिसंबर 2023 में करवाया गया और दो हज़ार सौ के मेड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूज़िक के ऊपर थोड़ी बातचीत करें तो म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें चैक्स भी जो इन्हें कंपोज की हुई है नानी और आत्रिया के साथ उनका ये पहला कोलोब्रेशन था ऑडियो राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने ख़रीदे हुए थे इस फिल्म में टोटल अलग अलग बारह ट्रैक सुनने को मिलेंगे जहाँ पे गरम गरम गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे 15 जून 2024 को ऑफिशियली सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया जिसको सनापति भारद्वाज पात्रोडू ने लिखा हुआ था विशाल ददलानी ने गाया हुआ था उल्लासम करके जो गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पे सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा रिलीज़ करवाया गया तेरह जुलाई दो हज़ार चौबीस को सनारे ने उसको लिखा हुआ था संजीत हेगड़े और कृष्णा लस्या मुतली मुतियाला ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का थर्ड सॉन्ग यानी कि थर्ड सिंगल के तौर पर सारी माँ पर के सारी मापा करके जो गाना था उसको ऑफिशियली सोनी म्यूजिक वालों ने चौबीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ करवाया जहाँ पे उसको कृष्णाकांत ने लिखा हुआ था कार्तिक ने उसको गाया हुआ था इस फिल्म का जो बाकी के गाने जैसे कि लाली जो रागम उसको सनपति भारद्वाज पात्रोडो ने लिखा हुआ था जिसको मधुरा धारा तल्लूरी ने गाया हुआ था मालू पेरा करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था पी वी एन एस रोहित ने गाया हुआ था वेट्टा विनोदम करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पत्रोडू ने लिखा हुआ था दीपक ब्ल्यू ने उसको गाया हुआ था दिम्बका करके जो गाना था उसको कार्तिक सचिन ने लिखा हुआ था वहीं पे साई चरण भास्कुरिनी और प्रणव चंगंथी ने उसको गाया हुआ था बागा बागा करके जो गाना था उसको सनापति भारद्वाज पथडू ने लिखा था कोरस ने उसको गाया हुआ था उसके बाद में आपको समरवती का इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलेगा अनचेन का एक सुनने को मिलेगा सनपति सन भारद्वाज पत्रोड़े ने उसको लिखा था नोट ए टीजर का थीम था वो भी सनपति भारद्वाज ने कंपोज किया था सिवा थंदवम उसको भी उन्होंने ही तैयार किया हुआ था तो इस तरह से टोटल बारह ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी उनचालीस मिनट उन पचास सेकंड इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था चीज़ सोनी म्यूज़िक के द्वारा अट्ठाईस अगस्त दो को रिलीज़ करवाया गया तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किए हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर आपको ऑफिशियली अभी सुनने हैं तो सुन सकते हो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब बात कर लेती इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर सरी पौधा शनिवार फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पे जो सूर्या की माँ है वो अपने बेटे से एक प्रॉमिस लेती है सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं नानी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता रहता है तो उनको कहा जाता है उनकी माँ की तरफ से कि आप छः दिनों के छः दिनों तक अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे हर सेटरडे को आपका गुस्सा आप निकाल सकते हो अदरवाइज़ छः दिन तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसी ट्रेंड को वो फॉलो करते हुए जाते अपनी माँ के प्रोमिस को धीरे धीरे वो पड़े होने लगते हैं उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो बाकी के दिनों में गुस्सा नहीं होते कुछ नहीं करते लेकिन सैटरडे के दिन काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते जो भी चीज़ें उनके साथ या उनके आसपास गलत हुई उसको इसी बीच में एक ट्रेजिक इवेंट होता है इंसिडेंट होता है सोकुला पल्लेम करके एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे सीआई दया है एस जे सूर्या वो रोल प्ले कर रहे वो एक रूथलेस और ख़तरनाक विलन के तौर पे दिखाए गए जहाँ पे जो एक गांव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता आ रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न बताया हुआ है लेकिन सूर्या को अभी तक ये सभी चीज़ें पता नहीं थी धीरे धीरे उनके सामने ये सभी चीज़ें रिवील होती है उसके बाद में आ, वो सूर्या चारूलता से भी मिलता है जो प्रियंका रोल मोहन रोल प्ले कर रही है एक पुलिस वुमन है वो भी इस कहानी में एक इन्वॉल्वमेंट एक ले, अलग लेयर डालती हुई नज़र आती है अब सूर्या और दया के बीच में किस तरह से क्या आगे घमासान युद्ध होगा इसके बाद में किस तरह से मुरली शर्मा का किरदार इसमें फीचर होता है किस तरह से जो चीज़ें हो रही है सभी दिन सैटरडे को सूर्या कैसे हैंडल करता है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है नानी जो इस फिल्म में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते जहाँ पे वो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्ले करते हुए नज़र आते जिस तरह से अपने एंगर को सरप्रेस करते हुए नज़र आते पूरे वीक उसके बाद में सैटरडे के दिन उसको जिस तरह से अनलिस करते उन सभी चीज़ों में उनका काम काफ़ी बढ़िया था अपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छी तरह से मेच्योर वे में हैंडल किया हुआ था एस जे सूर्या ने एक बार फिर से रूथलेस कोप दया के रोल में इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनकी यूनिक इंटेंसिटी अपने रोल में उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो डिलीवर करते वो फेस ऑफ वाले सीन में नानी के साथ उनका जो काम था वो काफ़ी एंगेजिंग था इसके अलावा सार्केस्टिक डायलॉग उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किए हुए तो एक ह्यूमरियस टच भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में देते हुए नज़र आते हैं वन ऑफ़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं प्रियंका मोहन ने भी अपना काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऑन सिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी उनके नानी के साथ दिखाई गई थी, वो काफी बढ़िया थी रोमांटिक इंटरेक्शन उनके कम थे लेकिन उसके बावजूद उसमें काफी बढ़िया थी नरेशन में वो काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है मुरली शर्मा एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे थे साई कुमार आ, उनकी जगह पे शायद ज्यादा फीडबेट सकते थे ऐसा आपको लगेगा लेकिन जिस तरह से आ, आपको उनके रोल में काम देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब नजर आता है इसके अलावा अदिति बालन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हुआ हर्षवर्धन और अदर जो एक्टर्स से सपोर्टिंग उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है म्यूज़िक जिस तरह से कंपोज किया हुआ है जेक्स बिजो ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कहीं अलग अलग सीन्स को उठाने में कामयाब रहता है इमोशनल और एक्शन एक सीन्स को भी अच्छा हैंडल किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर की मदद से मदद से कुछ क्रूसल रोल थे क्रूशल सीन से उसको अच्छी तरीके से फिल्म में एलिवेशन मिला हुआ है तो फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर करेगा इस फिल्म में कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था जिस तरह से नेरेशन किया जा रहा था उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था वे काश्रिया चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते थे स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूशन की थोड़ी कमी नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वेनर में डिलीवर किया जा सकता था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करने में फ़ोकस किया हो तो उसको थोड़ा खींच दिया है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म मेनली स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ में और इस फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस तरह तो से काम दिखाया हो उतना इम्पेक्टफुल नहीं नजर आता है उसको बेटर किया जा सकता था आदित्य बालन अभिरामी उनके जो किरदार है उसमें और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी इस फिल्म में वो सभी चीज़ें अगर रहती तो एंगेजिंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता फिल्म के प्रति आपका मुरली शर्मा का कैरेक्टर था उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था फिल्म का रन टाइम काफ़ी लेंदी नज़र आएगा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगह थी स्क्रीन प्ले में जिसको चॉकअप की जा सकती थी तो ओवरऑल फिल्म क्रिस हो जाती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा वे आथरिया ने स्टोरी को डिसेंट मैनर में लिखा था नरेशन थोड़ा अच्छा किया जा सकता था उसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी पेस के ऊपर फोकस किया जा सकता था एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सकता था जिसके चलते ऑडियंस के एंगेजमेंट और भी एनहेंस हो सकती थी जेक्स बीजे का म्यूज़िक एक्सेप्शनल था उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के टोन को हैंडल किया हुआ था जी मुरली ने भी काफी बढ़िया तरीके सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है कार्तिक की एडिटिंग फिल्म को थोड़े स्लो करती थी कार्तिक को और बेहतर तरीके से इस फिल्म को एडिट किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी थी कुल मिला के सरी शनिवार सूर्या सैटरडे एक एंजोएबल एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नानी एस जे सूर्या की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था जिसके चलते चीज़ें और बेहतर हो जाती है हाँ नरेशन थोड़ा स्लो है फिल्म थोड़ी बड़ी है फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें खींची हुई है उसको आपको डेफ़िनेटली इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल एक अच्छी देखने लायक फिल्म है जिसको थिएट्रिकली उनतीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था नब्बे करोड़ के बजट के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में तो टोटल पाँच वर्जन्स में इस फिल्म ने रिलीज़ की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से छह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करीबन 19 करोड़ पचहत्तर लाख का इस फिल्म ने नेट ने कलेक्शन किया था अपने पहले दिन उसके बाद डे बाई डे इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और सौ करोड़ का बेंच भी हासिल किया था इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन एक करोड़ से ज़्यादा का क्लिक किया जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे आई एम डी इस फिल्म ने अट्ठाईस सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई तो इस तरह से नानी ने अपने करियर में एक बैक टू बैक फिर से एक हंड्रेड करोड़ प्लस की फिल्म दे दी और अच्छी की खासी फिल्म भी बनाई हुई है जो लोगों को पसंद भी आई है इस फिल्म के ओ राइट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के पास फिल्म के ओ राइट्स टी है जिन्होंने सिर्फ तेलुगु नहीं इसके अलावा तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो ये सभी वर्जन फिलहाल में वहाँ पे ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिए गए तो अगर आपको सरीपोदा शनिवारम यानी कि सूर्या सैटरडे ये फिल्म ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरिपौदा शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय इस सरिप शनिवार यानी कि सूर्या सैटरडे फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू